दोस्तों नमस्ते सस्त्रीकाल, स्वागत है आपका एक आरो के रिएक्शन में और मैं हूँ कविता। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ बहुत ही ज्यादा वायरल वीडियो है और सऊदी अरब में मैं कहूँगी बहुत ज्यादा इस समय वायरल वहाँ की ये स्टोरी हो रही है। ये जो स्टोरी थी ये बेसिकली एक खून की थी। तो यमन में एक शख्स थे मोहम्मद बिन मुरसल और एक साल पहले का ये वाकया है जब वो किसी बात को लेके उनके अपने कज़न के बेटे से बहस हो गई थी और वहाँ पे उन्होंने अपने कज़न के बेटे को मार दिया था उस बहस में और उसके बदले वहाँ की पुलिस उन्हें ये लेके गई और एक साल बाद उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। और आज जब वो सजाए मौत हो रही थी तो उससे कुछ मिनट पहले उनकी माँ उनसे मिलने आई, क्योंकि सऊदी में कानून बहुत सख्त है। तो पूरा वाकया क्या है पहले एक बार डिटेल में सुनते हैं, क्योंकि पूरा सऊदी इस समय फूट फूट के रो रहा है। वो जो पल था, वो जो इमोशन थे ना उस माँ के, वो पूरे इंटरनेट पे इस समय तहलका मचा रहे, वायरल हो रहे हैं। तो पहले पूरी कहानी क्या है उसको जान लेते हैं। छोटा सा मैंने ग्लिम्स आपको दे दिया कि किस बारे में है, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ वीडियो में पता चलने वाला है, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, देखिए, समझिए और उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मीडिया पर सऊदी अरब की ये वीडियो दो तीन दिनों से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर ट्विटर हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हो, बहुत ज्यादा वायरल है। लोग इसको शेयर कर रहे हैं, इसके पीछे की अलग अलग कहानी बता रहे हैं और इसके पीछे की जो हकीकत है शायद आप लोगों को पता होगी। अगर नहीं बता रहे तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसके पीछे का वाकया क्या है, इस वीडियो की हकीकत क्या है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सऊदी लोग एक जगह इकट्ठा है, कोई अपना जुपा उतार रहा है, कोई अपना रुमाल उतार रहा है, यहाँ तक कि कोई अपना बनियान भी उतार रहा है और इज्जत और फख्र समझे जाने वाली अपनी दस्तारे उतार कर फेंक रहे हैं। तो कोई ऊँटों की तरह अपने घुटनों को बांध कर नीचे बैठ रहा है, कोई अपने खंजर तलवारें जमीन में गाड़ रहा है और कुछ तो अपने सरों पर मिट्टी डाल रहे हैं। यानी अजीब और गरीब हरकतें ये सऊदी लोग कर रहे हैं। इनको देखकर लोग सोच में पड़ गए हैं कि ये सऊदियों को हुआ क्या है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये माजरा क्या है, इसके पीछे की हकीकत क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है, एक बहुत गमनाक वाकया है। वो ये कि सऊदी अरब का एक शहर है नजरान, जो कि यमन बॉर्डर के करीब है। ये वहाँ का वाकया है कि दो कज़न भाई थे जो बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन किसी बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई। बहस हुज्जत तक पहुंची और हुज्जत झगड़े तक पहुंची और उसके बाद मोहम्मद मुरसल नामी शख्स ने गुस्से में आकर अपने कज़न भाई को कत्ल कर दिया, या फिर यूँ कहा जा सकता है कि उसके हाथों कत्ल हो गया। बहरहाल कत्ल होने के बाद पुलिस आकर मोहम्मद मुरसल को गिरफ्तार करती है और उसे जेल में डाल देती है। चूंकि सऊदी अरब में शरिया कानून चलता है, बाबर किसी का फोन कॉल नहीं चलता, किसी नेता की पर्ची नहीं चलती या रिश्वत नहीं चलती। शरीयत में खून का बदला खून है, किसास कत्ल के बदले कत्ल। बहरहाल मोहम्मद मुरसल को पुलिस गिरफ्तार करती है, कोर्ट में केस चलता है और एक दिन कत्ल साबित हो जाता है। वो भी ऐसे सालों साल नहीं कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, कुछ लोग ये बताते हैं कि एक साल में ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई और एक खबर ये है कि 3 महीने में ही ये कार्रवाई मुकम्मल हो गई और कोर्ट ने कातिल मोहम्मद मुरसल को सजाए मौत सुना दी। अब जब ऐसा हो जाता है, कत्ल साबित हो जाता है और जब कोर्ट ये फैसला कर देती है कि इस कातिल की गर्दन को उड़ा दिया जाए, ऐसा होने पर दोनों खानदान और या फिर दोनों कबीले वालों को कुछ मोहलत दी जाती है कि वो आपस में सुलह कर सकते हैं। कानून के हिसाब से, शरीयत के कानून के हिसाब से 3 रास्ते बचते हैं। एक ये कि किसास यानी कत्ल के बदले कत्ल, खून के बदले खून। दूसरा रास्ता ये है कि दियत देकर, कुछ मुआवजा देकर, खून बहा देकर कातिल को माफ किया जा सकता है। और तीसरा रास्ता जो सबसे अच्छा रास्ता है, जिसकी फजीलत भी है, उस पर सवाब भी है, कि मक्तूल
के वरसा यानी जिनका कत्ल हुआ है उसके खानदान वाले अल्लाह के लिए उसको माफ कर दे कि चलो हमारा बेटा तो चला गया, वापस नहीं आ सकता, हम आखिरत में इसका अल्लाह से बदला लेंगे, हम अल्लाह के लिए माफ कर देते हैं। ये माफी सबसे अच्छा रास्ता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी बहुत फजीलत बताई है। लेकिन ये मक्तूल के खानदान वालों पर डिपेंड करता है, उनके रिश्तेदारों के पास ही ये हक होता है। ऐसा नहीं कि वो अपने हक का इस्तेमाल करें तो उन पर कोई गुनाह होगा, गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर माफ कर देते हैं तो उनको बहुत सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला कल कयामत के दिन इसका बदला उनको देंगे। लेकिन अगर वो चाहे तो किसास भी ले सकते हैं, या फिर चाहे तो दियत और मुआवजा खून बहा लेकर अल्लाह के लिए कातिल को माफ भी कर सकते हैं। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, दूध इसमें ये मुफी हो फ्री। उम्मीद है कि आप जरूर, और अक्सर ऐसा होता भी है कि मक्तूल के खानदान के लोग कुछ दियत ले लेते हैं, कुछ खून बहा ले लेते हैं, कुछ मुआवजा लेकर कातिल को छोड़ दिया जाता है, या तो फिर बिना कुछ लिए अक्सर ऐसा भी होता है कि अल्लाह के लिए माफ भी कर दिया जाता है। सिर्फ इस वाकये को सामने रखकर आप ऐसा ना समझे कि सऊदी में सब के साथ ही लेते हैं, अक्सर माफ कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में मक्तूल के कबीले वाले शायद बहुत गुस्से में थे, वो सिर्फ किसास चाह रहे थे, वो सिर्फ चाह रहे थे कि मोहम्मद मुरसल को सजा मिले। इसलिए कातिल मोहम्मद मुरसल के कबीले वाले मक्तूल के घर के सामने जमा हो गए, यानी जिसका कत्ल हुआ था उसके घर के सामने माफी मांगने के लिए जमा हो गए, और उन्हें अलग अलग तरीके से मनाने लगे। उसमें बड़े बड़े शेख भी थे उस कबीले के, जो लखपति करोड़पति मिलीनियर बिलीनियर है, लेकिन वहां पर कानून सबके लिए एक चलता है, और माफी की वो सब लोग माफी की दरख्वास्त करने लगे, जो उनसे हो सकता था वो सब कुछ करने लगे। अरब में हमारे यहाँ होता ना कि पगड़ी, ये इसको बहुत इज्जत और फख्र की चीज समझी जाती है, जब वो किसी के कदमों में रख दी जाए, मतलब पूरे खानदान की इज्जत कदमों में रख दी गई है। वहां पर अरब में अमामा ये बहुत इज्जत की चीज समझी जाती है, फख्र की चीज समझी जाती है। वहां के शेख लोगों ने अपना अमामा उतार कर वो मक्तूल के खानदान वालों के सामने जमीन पर रख, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने पूरी इज्जत उतार कर सामने रख दी। यहाँ तक के कातिल के कबीले वालों ने सिर्फ अमामा ही नहीं बल्कि कुछ लोगों ने अपना जुब्बा अपनी बनियान तक उतार कर सामने रख दी। कुछ शेख लोग तो जमीन पर गिर गए, अपनी तलवारें अपने खंजर उनके सामने गाड़ दिए, अपने सरों पर मिट्टी तक डाल दी, अपने घुटनों को जानवरों की तरह बांध दिया, या फिर लाखों करोड़ों रियाल सोना चांदी और प्रॉपर्टी के पेपर लेकर सामने आ गए कि सब ले लो, सिर्फ माफ कर दो, हमारे कबीले के बच्चे मोहम्मद मुरसल को माफ कर दो। यानी वो सब कुछ उन्होंने किया जो वो कर सकते थे, एक तरह से अपनी जबान में कहा जाए जितना गिर सकते थे वो गिरे। ये सारा मंजर देखकर सारा अरब चीख उठा कि अब तो माफ कर देना चाहिए, मोहम्मद मुरसल को माफी मिल जानी चाहिए। इतना होने के बाद भी मक्तूल के कबीले वालों का दिल नहीं पसीजा, उनका दिल नरम नहीं हुआ, उन्होंने ना दौलत ली, उन्होंने ना जो है माफ किया, बल्कि उन्होंने अपने हक का इस्तेमाल किया और किसास पर ही डटे रहे। अब कोई रास्ता बचता नहीं था, शरीयत और सऊदी कानून के मुताबिक मोहम्मद मुरसल को सजाए मौत दे दी गई। कहते हैं कि मोहम्मद मुरसल की आखिरी ख्वाहिश अपने माँ से मिलना था, सो उसे मिला दिया गया। ये कलेजा फाड़ देने वाला मंजर उसी का है, सजाए मौत से पहले बेटे को अपने माँ से मिलाया गया, दोनों एक दूसरे से आखिरी बार मिलकर रो रहे हैं। हालांकि ये वाकया हमें बहुत कुछ सिखाता है, कानून की बालादस्ती जरूरी है ताकि इस तरह के वाकया दोबारा ना हो। इंसान का खून सस्ता नहीं है, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, इसीलिए अरब मुल्कों में क्राइम रेट बहुत कम है, ना के बराबर है। कानून से बढ़कर शरीयत से बढ़कर कुछ नहीं है, एक ही कानून सबके लिए, इसमें कोई वसीला नहीं, किसी बड़े आदमी का लेटर नहीं, कोई पैसों का लेन देन नहीं, कोई खानदानी रोब नहीं, कोई ओहदे पद का इस्तेमाल नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। आज हमारे यहाँ क्राइम का रेशो इसलिए बढ़ रहा है कि इंसानी खून को सस्ता कर दिया गया है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून होता है,
बड़े लोगों के लिए अलग कानून, ओहदे वालों के लिए अलग कानून, करोड़पति बिलियनर मिलियनर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून, किसी कौम के लिए अलग कानून और किसी एक कौम के लिए अलग कानून। इसलिए यानी क्राइम का रेशो इतना बढ़ गया है कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो टाइम है ना, इस टाइम के अंदर भी पता नहीं कितने कत्ल हो गए होंगे, कितने मर्डर हो गए होंगे, या कितने कातिल छूट गए होंगे, या कितनी रिश्वत की लेन देन हो गई होगी। एक छोटा सा वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का, बनू मखज़ूम की एक औरत चोरी करते हुए पकड़ी जाती है, उस पर चोरी साबित हो जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर अद कायम कर देते हैं, उसके हाथ काटने का हुक्म दे देते हैं। चूंकि वो फातिमा एक बड़ी इज्जतदार कबीले से थी, तो उस कबीले के लोग ये चाह रहे थे कि सजा में कुछ रियायत हो जाए, या माफ़ी मिल जाए, या फिर कुछ और ऐसा हो जाए कि उसके हाथ कटने से बच जाए, लेकिन किसी की हिम्मत हो नहीं रही थी। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद को उन लोगों ने चुना कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बात करें और थोड़े रियायत की मांग करें, क्योंकि वो शरीफ कबीले से थी, बड़े कबीले से थी। जब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु डरते डरते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, तो अल्लाह के रसूल गज़बनाक हो गए, गुस्से में आ गए और लोगों से कहा, क्या तुम पिछली कौमों की तरह बर्बाद होना चाहते हो? पिछली कौमें तबाह और बर्बाद इसीलिए हुई कि बड़े खानदान वालों के लिए, बड़े कबीले वालों के लिए अलग उनका कानून होता था, उनके लिए रियायत होती थी, और छोटे खानदान वाले या छोटे और गरीब लोगों के लिए अलग कानून होता था। इसलिए ये भेदभाव की वजह से कितनी कौमें तबाह और बर्बाद हो गई। और फरमाया कि अल्लाह की कसम, जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसके हाथ काट देता। ये होता है कानून, और ये होती है कानून की बालादस्ती। और यही अल्लाह, अगर ये कानून दुनिया में जो है कायम हो जाए तो क्राइम ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखा आपने, ये देख के तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली किसी की डेथ की बात इतनी एज में, मतलब आप बिना मौत जब मरते हैं तो वो कितना बुरा होता है, स्पेशली इस तरह की सजाएं। ये सही बात थी कि उससे उस वक्त गलती हो गई, और उसने बहुत बड़ी गलती की है, और जो दुबई जैसे देशों का जो कानून है वो बहुत सख्त होता है, और जैसे इन्होंने कहा इसी वजह से शायद उनका क्राइम रेट कम है। हालांकि हमारी जो किताबों में होता है, कोई भी किताब उठा के देख ले, उसमें ये कहा जाता है कि माफ़ी दे देनी चाहिए, लेकिन उसी पैरेलल में मैं देखूँ ये भी बात सच होती है कि किसी की लाइफ अगर आपने ली होती ना, तो वो लाइफ आपकी वापस नहीं आती, वो किसी भी माफ़ी से जो है वो बड़ी नहीं होती है, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक घर, एक फैमिली, उनके साथ उनके जुड़े हुए लोगों को तबाह कर दिया होता है। वहीं जैसे इन्होंने बोला कि कानून वहां सबके लिए एक है, और ये एक सबक भी था एक्चुअली वहां पे देखने के लिए, और इसीलिए शायद वहां के क्राइम रेट्स इतने कम है कंपेयर टू किसी भी और देश में। अगर मैं खास करके इंडिया की भी बात करूँ तो यहाँ के क्राइम रेट्स इतने ज़्यादा हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद अभी भी जुडिशियल सिस्टम में हमारे इतना ज़्यादा, मैं कहूँगी शायद लॉ एंड ऑर्डर्स उन अलाइनमेंट में नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। और यहाँ पे अक्सर ये बायसनेस देखी जाती है कि छोटे आदमी को बहुत तंग किया जाता है, यानी लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बहुत ही दिक्कत उठानी पड़ती है। वहीं अगर आप हाई सोसाइटी, हाई प्रोफाइल से और रिकमेंडेशन से बिलोंग करते हैं तो आपको जुडिशियल सिस्टम की, पूरे गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं, या फिर अगर कहीं भी मीडिया अटेंशन हो जाता है तो उस केस में भी चीज़ें होती हैं, मगर जो प्रोसेस हमारे यहाँ वो काफ़ी लंबा है। तो एक तरीके से ये एक लर्निंग लेसन भी था, हाउएवर बहुत इमोशनल सीन था कि जब वो माँ अपने बेटे के लिए बिलक बिलक के रो रही थी, बिकॉज एक माँ की फीलिंग्स को तो डेफिनेटली कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो बहुत इमोशनल स्टोरी था, दोनों ही लहजे से ये सही है और शायद गलत भी। आपका इस पे क्या कहना, आपको क्या लगता है कि क्या ये सही हुआ या नहीं हुआ, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए था या माफ़ कर देना चाहिए था, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल।